उत्तराखंड में वहां तक ट्रेन पहुंचने का सपना भी सच होने जा रहा है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जो ट्रेन लाइन का काम चल रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जल्दी उसमें भी ट्रेन का संचालन होगा। यह भी हमारे लिए एक स्वप्न के साकार होने के समान होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद का संचालन प्रदेश के सभी 13 जनपदों में किया जा रहा है। अब इस योजना के दूसरे रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेशन एक उत्पाद रेलवे के द्वारा भी शुरू किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को, कुम्हारों को, बुनकरों को, शिल्पकारों को आजीविका के अवसर प्रदान होंगे। प्रत्येक दुकान से कम 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 2 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र के शुभारंभ से यात्रियों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेंगी। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा को जोड़ने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प ही संकल्प के मंत्र पर लगातार काम कर रहे हैं। लगातार आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण में आप सभी का सहयोग और समर्थन की आवश्यकता हमेशा हमको रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जैसा आपका आशीर्वाद आपका समर्थन हमेशा हमको मिलता रहा है उसी प्रकार से निकट भविष्य में भी मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर से देहरादून से लखनऊ के मध्य वंदे भारत ट्रेन के आज संचालन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।